ये कहानी एक ऐसे राक्षस की है जिसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि वो गॉड से लड़ने और उनसे बगावत करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन गॉड से लड़ने का नतीजा क्या हो सकता है उसे इसका अंदाजा नहीं था, इसलिए जब वो राक्षस अपनी हद पार करता है तब गॉड ने उसकी शक्तियां छीनकर उसके सीने से दिल निकाल लिया और उसे पहाड़ों के बीच कैद कर दिया। लेकिन उस डीमन में कुछ ऐसा था जिस वजह से उसे आजाद होने का एक मौका दिया जाता है, और आगे क्या होता है ये जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। सो हाय गाइस, दिस इज हनी हियर, और आज मैं लाया हूं एक फैंटेसी एक्शन मूवी जिसका नाम मार्बल माउंटेन्स है, जो साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा इस कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जब ब्रह्मांड की रचना हुई थी उस समय चार गॉड्स हुआ करते थे जो बहुत ताकतवर थे, और उनका काम स्वर्ग की रक्षा करना और स्वर्ग को दुश्मनों से बचाना था। लेकिन उन सबसे भी ज्यादा ताकतवर एक डीमन जिसका नाम वुकान था, वो डीमन मंकी किंग के नाम से भी जाना जाता था। एक दिन वो चारों गॉड्स को लड़ने की चुनौती देता है क्योंकि उसे ब्रह्मांड पर कब्जा करना था। तब चारों गॉड्स मिलकर उससे लड़ते हैं और उस पर अपनी सारी शक्तियां आजमाते हैं, लेकिन वो चारों मिलकर भी मंकी किंग का कुछ बिगाड़ नहीं सके क्योंकि वो उन चारों से ज्यादा शक्तिशाली था। उसने चारों गॉड्स को एक एक करके हरा दिया। तब वुकान से लड़ने के लिए सबसे बड़े गॉड बुद्ध को आना पड़ा, लेकिन वुकान उन्हें देखकर भी नहीं डरा और उनसे लड़ने के लिए उनके पास चला गया। तब बुद्ध ने वुकान को एक पंच मारा जिससे वो सीधा नीचे आ गिरा। फिर बुद्ध ने मंकी किंग को कुछ पहाड़ों के बीच कैद कर दिया। अब कहानी 500 साल आगे जाती है और हम ताइन नाम के एक बच्चे को देखते हैं। उसे पहाड़ों के गॉड रास्ता दिखा रहे थे। दरअसल वो बच्चा उन पहाड़ों में जाना चाहता था जहां मंकी किंग को कैद किया गया था। पहाड़ों के गॉड्स ने उसे उन पहाड़ों तक पहुंचा दिया। तब वो बच्चा अकेले ही उन पहाड़ों में गया जहां उसे एक गुफा दिखाई दी। फिर वो उस गुफा में गया, लेकिन उस गुफा में बहुत अंधेरा था, इसलिए वो उस गुफा में चलते हुए एक खाई में गिर गया। अंदर गिरने के बाद वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ी बुद्ध की मूर्ति थी। वो बच्चा उस मूर्ति को देख ही रहा था तभी वहां एक बहुत भयानक डीमन आ गया जिसे देखकर वो छुप गया। लेकिन डीमन ने उसे देख लिया था। उस बच्चे को देखते ही डीमन की आंख चमकने लगी, मानो उसकी आंखों में आग जल रही थी। वो डीमन कोई और नहीं बल्कि वुकान मतलब मंकी किंग था। फिर वुकान बच्चे को बताता है कि वो पिछले 500 सालों से वहां कैद है। इतने साल कैद में रहने की वजह से वो पागलों जैसी हरकतें कर रहा था, इसलिए वुकान उड़कर एक बार फिर बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन वहां एक शील्ड लगी थी जिसे वो मुक्का मारकर तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस शील्ड ने उसे वापस नीचे ढकेल दिया। और तब पेड़ों की जड़ें आकर एक एक करके उस पर हमला करती हैं जिससे वो बहुत घायल हो गया और वापस नीचे आ गिरा। ऐसा उसके साथ इसलिए होता है ताकि वो अगली बार भागने की कोशिश न करे। वुकान को इस तरह तड़पता देखकर वो बच्चा कहता है कि वो उसे इस कैद से आजाद करने आया है। उस बच्चे के हाथ में एक जादुई छड़ी थी जो उसे वीनस नाम के एक गॉड ने दी थी। फिर उस बच्चे के हाथ में जो छड़ी थी वो अचानक एक गॉड में बदल गई। दरअसल वीनस गॉड के पास किसी भी शील्ड को तोड़ने की ताकत है, इसलिए वो गॉड वुकान को कुछ समय के लिए आजाद करता है और उसे एक मैजिक बॉक्स देता है। फिर गॉड मंकी किंग को बताता है कि उसे वो बॉक्स एक पहाड़ पर पहुंचाना होगा जिसे माउंटेन ऑफ हार्ट कहा जाता है, और उसके बॉक्स देते ही वुकान को पूरी तरह आजादी मिल जाएगी और उसकी सारी ताकत जो उससे छीन ली गई थी वो भी वापस मिल जाएगी। ये सुनकर वुकान पागलों की तरह हंसने लगा क्योंकि वो बहुत खुश था, उसे 500 साल बाद कुछ समय के लिए आजाद किया गया था। तभी वो जगह टूटकर बिखरने लगी और मंकी किंग वहां से बाहर आ गया, लेकिन वो बच्चा अंदर ही रह गया था। उसने उस बच्चे को बचाना जरूरी नहीं समझा क्योंकि उसे बाहर निकलने की बहुत जल्दी थी। वुकान बहुत साल बाद बाहर आकर ताजी हवा को महसूस कर ही रहा था तभी वो उस बच्चे को अपने पास देखकर चौंक गया कि वो बाहर कैसे आया। फिर वो बच्चा बताता है कि वीनस गॉड डीमन के एक शहर में फंसा हुआ है और इसलिए उसने वुकान को आजाद किया ताकि वो उसकी मदद करे, लेकिन मंकी किंग ने उनकी मदद करने से साफ मना कर दिया क्योंकि वो सारे गॉड से नफरत करता है। और तभी वो उस बच्चे के हाथ से छड़ी लेकर दूर फेंक देता है क्योंकि उनकी वजह से वुकान इतने साल कैद में रहा। वो बात कर ही रहे थे कि इतने में वुकान की नजर एक डीमन लड़की पर गई जिसका नाम यैंग है। यैंग एक मॉन्स्टर से अपनी जान बचाते हुए भाग रही थी। दरअसल वो मॉन्स्टर यैंग से शादी करना चाहता था लेकिन उसने उससे शादी करने से मना कर दिया, इसलिए वो मॉन्स्टर उसकी जान के पीछे पड़ा है। भागते हुए यैंग एक जगह आकर फंस गई। अब वो मॉन्स्टर उसे अपने हथियार से मारने ही वाला था कि अचानक वुकान ने बीच में आकर हथियार पकड़ लिया जिससे यैंग की जान बच गई। फिर वुकान अपनी ताकत से उस मॉन्स्टर को पीछे धकेलता है। तब वो गुस्से से कुछ बड़ी चट्टाने वुकान की तरफ फेंकता है, लेकिन वुकान मॉन्स्टर के इस हमले से भी बच गया। अब मॉन्स्टर अपनी बड़ी कुल्हाड़ी से उस पर बार बार हमला करता है, लेकिन वुकान हर बार उससे चकमा देकर खुद को बचा लेता है। जहां जहां मंकी किंग खुद को बचाने जाता मॉन्स्टर वहीं उस पर हमला करता, लेकिन फिर वो मॉन्स्टर के एक हमले से बच नहीं पाता। मॉन्स्टर के किए इतने सारे वार में से एक वार सही लग गया जिससे वो दूर जा गिरा। अब मॉन्स्टर उसको
खत्म करने के लिए आखिरी बार उस पर हमला करता है, लेकिन तभी वो अचानक रुक गया। दरअसल यांग ने एक जादुई बांसुरी बजाकर उस मॉन्स्टर को अपने वश में कर लिया। तो बहन, अगर तेरे पास ये शक्ति है तो तू उससे भाग क्यों रही थी, ये लड़की अभी ना। खैर, मॉन्स्टर के रुकने के बाद वुकान जल्दी से उठकर उसे एक किक मारता है, जिससे वो मॉन्स्टर एक चट्टान पर जा गिरा और उसकी कुल्हाड़ी हवा में घूमने लगी। तभी वुकान उस कुल्हाड़ी को भी एक किक मारता है, जिससे वो कुल्हाड़ी जाकर मॉन्स्टर के गले में घुस गई। इसके बाद वो मॉन्स्टर राख बनकर गायब हो जाता है। फिर यांग मंकी किंग को अपनी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और बताती है कि उसका एक दोस्त भी उस डीमन के शहर में फंसा हुआ है, इसलिए वो वुकान से मदद मांगती है। लेकिन वुकान को लोगों की जान बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो वहां से जाने लगा। लेकिन तभी यांग बताती है कि वीनस को माउंटेन ऑफ हार्ट का रास्ता पता है। तब वो रुककर उसकी बात सुनता है, क्योंकि वुकान को पूरी तरह से आजाद होने के लिए और अपनी सारी शक्तियां वापस पाने के लिए माउंटेन ऑफ हार्ट पर जाना जरूरी है, इसलिए वो उनकी मदद करने मान गया। अब वो लोग डीमन सिटी की तरफ जाते हैं, जहां पहले से अनगिनत डीमंस रहते हैं और वो दिखने में बहुत ही खतरनाक थे। वो सब ड्रैगन किंग की पूजा करते हैं। दरअसल वो लोग 500 साल के पहले मंकी किंग की पूजा किया करते थे, लेकिन मंकी किंग के कैद होने के बाद धीरे धीरे वुकान का खौफ इनके दिलों से निकल गया और वो सब मंकी किंग को भूल गए, इसलिए सारे डीमंस अब ड्रैगन किंग को पूजने लगे थे। ये देखकर मंकी किंग को बहुत गुस्सा आया। तभी वहां चल रहे जश्न को रोकने के लिए वो एक ग्लास फेंकता है। वो ग्लास सीधा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर जा लगा, जिससे वो टूट गया और म्यूजिक बजना बंद हो गया। जश्न रुकने के बाद सारे डीमंस वुकान की तरफ बढ़ने लगे। वो ये देखना चाहते थे कि उनके जश्न को रोकने की इतनी हिम्मत किसमें आ गई। वो सब उसे अपना चेहरा दिखाने कहते हैं। तभी मंकी किंग अपना चेहरा दिखाता है, लेकिन वो लोग उससे डरने के बजाय उस पर जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि वुकान से उसकी सारी शक्तियां छीन ली गई। ये देखकर वो गुस्से से लाल हो गया। तभी वो एक डीमन को जोरदार पंच मारता है, जिससे वो डीमन दूर जा गिरा और वहीं उसकी मौत हो गई। इसके बाद वुकान सारे डीमंस पर हमला करके उन्हें मारने लगा। वो उन्हें उठाकर खिलौनों की तरह फेंकता है। फिर वो उनसे लड़ते हुए ऊपर से एक पिल्लर पर कूदता है। तब उसे पता चला कि वो पिल्लर उसका पुराना हथियार है, जिसे जंजीरों से लपेटा गया था और उसके सहारे वो पूरी बिल्डिंग खड़ी थी। दरअसल कैद होने से पहले वो हथियार कभी मंकी किंग का हुआ करता था, लेकिन अब उस हथियार को पिल्लर बनाकर उसके सपोर्ट से बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। वुकान देखता है कि उसका हथियार एक बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया गया, इसलिए वो उड़कर उस पिल्लर के ऊपर खड़ा हो गया ताकि वो अपना हथियार वापस ले सके। लेकिन तभी उस पर कोई हमला करता है। वो कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन किंग था, जो अपने मारे गए डीमंस का बदला लेने आया था। वुकान उसे देखकर तुरंत उस पर हमला करता है, लेकिन वुकान ड्रैगन किंग के आगे बहुत कमजोर था। वो वुकान को एक पंच में नीचे गिरा देता है। वहीं ताइन और यांग डीमन सिटी की एक गुफा में जाते हैं, जहां उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला और वही वीनस था। वीनस के पास एक सुनहरी तितली भी थी और वही यांग की दोस्त थी, जिसके बारे में यांग ने वुकान को बताया था। वो तितली स्वर्ग से आई थी। वो लोग बात कर ही रहे थे कि इतने में वहां कुछ डीमंस उन्हें मारने आ गए। उन्हें देखकर वीनस अपने जादू का इस्तेमाल करके वहां से उन्हें कोई और जगह ले जाता है। अरे भाई, जब तेरे पास ऐसा जादू था तो तू पहले ही वहां से क्यों नहीं भाग गया। खैर, वीनस वहां से उन्हें उस पिल्लर की छत पर ले गया, जहां वुकान और ड्रैगन किंग लड़ रहे थे। फिर वीनस ड्रैगन किंग से वापस जाने कहता है। तब ड्रैगन किंग उन पर जादुई हमला करता है, लेकिन वीनस ने एक जादुई कवच बनाकर उसके हमले को रोक दिया। लेकिन ड्रैगन किंग का हमला इतना ताकतवर था कि वो कवच ज्यादा देर नहीं टिक सका और टूट गया। फिर ड्रैगन किंग वुकान को अपने जादू की मदद से उठा लेता है, फिर वो उसका गला दबाने लगा। तभी वीनस ड्रैगन किंग के जादू को तोड़ता है और वुकान की जान बचा लेता है। अब ड्रैगन किंग गुस्से से बौखला गया। वो बस उन सबको मारने ही वाला था, तभी वीनस सबको लेकर वहां से गायब हो गया। फिर वो लोग एक जंगल में पहुंच गए। तब वुकान वीनस से माउंटेन ऑफ हार्ट का पता पूछता है। तभी वुकान को झटका लगा जब वीनस ने बताया कि माउंटेन ऑफ हार्ट का पता सिर्फ वुकान के मास्टर को ही पता है। वो बताता है कि जब गॉड्स ने मंकी किंग पर हमला किया था, तब उसके मास्टर ने उसकी जान बचाने के लिए खुद की जान की कुर्बानी दे दी। मतलब अब वुकान के मास्टर, जिसे माउंटेन ऑफ हार्ट के बारे में पता था, वो अब मर चुका है। ये सुनकर वुकान उदास हो गया कि उसके मास्टर अब नहीं रहे और अब उसे माउंटेन ऑफ हार्ट का पता बताने वाला कोई नहीं है। लेकिन उसके साथ ही ताइन और यांग उससे वादा करते हैं कि वो लोग उसकी मंजिल ढूंढने में उसकी मदद करेंगे, इसलिए वो तीनों अगली सुबह माउंटेन ऑफ हार्ट की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में वुकान, ताइन और यांग अच्छे दोस्त बन गए। चलते हुए उनके रास्ते में एक बड़ी खाई आ गई, जिसके आगे जाना नामुमकिन था। अब वुकान को कुछ समझ नहीं आता, तभी वो देखता है कि आसमान में अचानक काले घने बादल छा गए और तभी वहां कुछ डीमंस अपने आप आ गए। वो सब ड्रैगन किंग के डीमंस थे, जो उन्हें जान से मारने आए थे। फिर वो सब डीमंस मिलकर एक बहुत बड़ा तूफान लाते हैं, जो सब कुछ अपने अंदर खींच रहा था। मंकी किंग ताकतवर था, इसलिए वो जमीन पर ही खड़ा रहा, लेकिन उसके साथ ही तूफान की चपेट में आ गए, इसलिए वुकान उन्हें बचाने के लिए पकड़ लेता है। लेकिन तूफान इतना तेज था कि वो उन्हें ज्यादा देर पकड़ नहीं सका और तभी यांग और ताइन खाई में गिर गए। इसके बाद उन डीमंस ने अपने भालों से वुकान को जमीन पर दबोच लिया। वो बस उसे मारने ही वाले थे कि इतने में कोई वुकान को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा ताइन था। उसके
पास एक उड़न तश्तरी भी थी जिस पर बैठकर वो तीनों वहां से निकल गए। अब हम देखते हैं कि एक गांव में लोग एक डीमन से परेशान थे, इसलिए उन्होंने एक डीमन हंटर को बुलाया। उसका नाम जूलियन है। वो डीमन को पकड़ने के लिए अजीब अजीब हरकतें करता है। उसे देखकर लग रहा था कि वो गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है। तभी उस गांव के लोगों ने देखा कि तीन उल्का पिंड आसमान से सीधा उनके गांव में गिर रहे हैं। तब सारे लोग जूलियन को छोड़कर उस जगह पर जाते हैं जहां वो उल्का पिंड गिरे थे। तब उन लोगों ने मंकी किंग, यैंग और ताइन को देखा। उन्हें देखकर गांव वालों को लगता है कि वुकान और उसके दोस्त गांव को बचाने के लिए स्वर्ग से भेजे गए। तभी जूलियन देखता है कि गांव वाले उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो खुद को एक डीमन में बदल देता है जो दिखने में एक पिक की तरह है। तभी जूलियन अपनी पिक जैसी शक्ल लेकर वहां जाता है और गांव वालों को बताता है कि वुकान वहां गांव वालों की मदद करने आया है। इसके बाद वो वुकान को उस गांव के डीमन के बारे में बताता है कि जो भी उस झील के पास जाता है वो डीमन उसे खा जाता है, लेकिन वुकान को उनकी मदद करने की कोई इच्छा नहीं थी। तभी वो उन गांव वालों को रोता हुआ देखता है। वो लोग बेसहारा थे और उसके दोस्त भी उनकी मदद करने कहते हैं, इसलिए वुकान अपना फैसला बदलते हुए कहता है कि वो गांव में रहकर उनकी मदद करेगा और उस डीमन से गांव वालों को हमेशा के लिए मुक्त कर देगा। इसके बाद गांव वाले मंकी किंग की मदद करने के लिए सारे धातु को इकट्ठा करते हैं और वुकान के लिए एक बहुत भारी हथियार बनाते हैं। उस हथियार को उठाने के लिए चार आदमियों की जरूरत थी, लेकिन वुकान ने उस हथियार को अपने एक हाथ से ही उठा लिया और उस हथियार को घुमाने लगा मानो उसके लिए वो हथियार कागज का हो। अब मंकी किंग उस झील के किनारे जाकर डीमन का इंतजार करने लगा ताकि वो उससे लड़ सके। वहीं गांव के सभी लोग एक बिल्डिंग के पीछे जाल लेकर खड़े हो गए ताकि वो लोग उसे पकड़ सकें। तभी वो डीमन वुकान के पीछे से आता है जिसे उसने देख लिया था। वो डीमन धीरे धीरे वुकान के पास आता है और अचानक पानी के बाहर निकलकर उस पर हमला करता है। तभी वुकान अपने हथियार से उसे मारता है जिससे वो डीमन हवा में बहुत ऊपर उड़ता है और जमीन पर आ गिरता है। जमीन पर गिरते ही वो डीमन अपने इंसानी रूप में आ गया। तब वुकान उसका मजाक उड़ाता है, ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आया। तब अचानक उसके हाथ में एक हथियार आ गया। वो उस हथियार से वुकान पर हमला करने के लिए उड़ता है, लेकिन वुकान उसके हमले को चकमा देकर उसे फिर से अपने हथियार से मारता है। तब वो डीमन वापस झील में जा गिरा। ये देखकर गांव वालों को लगा कि डीमन मर गया, इसलिए वो खुशियां मनाने लगे। तभी वो डीमन बाहर निकलकर गांव वालों पर हमला करने उन पर कूदता है। ये देखकर सारे गांव वाले डर गए। तभी जूलियन अपनी हिम्मत दिखाता है और उस डीमन के मुंह में भाला अड़ा देता है। फिर जूलियन हवा में उड़कर उस डीमन पर आखिरी हमला करता है जिससे वो डीमन पानी में जा गिरा और गांव वालों ने उसे जाल में पकड़ लिया। अब गांव वाले उस डीमन से पूरी तरह सुरक्षित थे, इसलिए वो लोग उस रात अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और मंकी किंग वुकान का शुक्रिया अदा करते हैं। तभी वुकान झूठ बोलता है कि असली हीरो जूलियन है, क्योंकि उसी ने उन्हें गांव में बुलाया था और आखिर में उसने ही डीमन को पकड़ा। तब सारे गांव वाले उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। उस गांव में जूलियन की एक गर्लफ्रेंड भी थी। इसके बावजूद कि जूलियन भी एक डीमन है, गांव वाले उनकी शादी करवाने मान गए। कुछ देर बाद वुकान यैंग के पास जाता है जो झील के किनारे बैठी थी। वो यैंग को उसकी जादुई बांसुरी देता है जो कुछ समय पहले कहीं खो गई थी। तब यैंग उसका शुक्रिया अदा करती है और उसके सीने पर अपना सिर रखती है, लेकिन यैंग को उसके दिल की धड़कन सुनाई नहीं देती। तब यैंग को पता चला कि मंकी किंग के सीने में दिल नहीं है, क्योंकि उसे कैद करते समय उसकी शक्तियों के साथ उसका दिल भी निकाल लिया गया था। ये देखकर यैंग को बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि वो वुकान को पसंद करने लगी थी। तब यैंग कहती है कि वो वुकान की सारी चीजों को वापस पाने में उसकी मदद करेगी ताकि मंकी किंग फिर से पहले जैसा शक्तिशाली बन जाए। वहीं दूसरी तरफ ताइन भी झील के किनारे बैठा था और वहीं पर उस पानी के डीमन को भी कैद करके रखा गया था, लेकिन लोगों को नहीं पता था कि खतरा अब भी टला नहीं। तभी ताइन को कोई किडनैप कर लेता है। वहीं कुछ डीमन्स एक एक करके गांव वालों को मारने लगे। फिर यैंग और वुकान जब वापस उस जगह पर आते हैं जहां जश्न मनाया जा रहा था, तब वो देखते हैं कि गांव वालों को किसी ने जान से मार दिया, लेकिन उस वक्त गांव का एक आदमी जिंदा था। यैंग उसके पास जाती है। तब वो आदमी उन दोनों को वहां से तुरंत भागने कहता है। ये कहकर वो आदमी की भी मौत हो गई। वहीं जूलियन जो अपनी गर्लफ्रेंड के घर उससे मिलने गया, तब उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड जमीन पर पड़ी है और तड़प रही है। तब जूलियन जल्दी से उसके पास गया। उसकी गर्लफ्रेंड ने जूलियन से कुछ देर बात करने के बाद दम तोड़ दिया। ये देखकर जूलियन बहुत रोने लगा। वहीं दूसरी तरफ मंकी किंग ने ड्रैगन किंग के डीमंस को देख लिया था, इसलिए वो उन पर हमला करता है। तभी वहां ड्रैगन किंग आता है जो उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया। तब वुकान को पता चला कि उस गांव वालों को मारने में ड्रैगन किंग का हाथ है। ड्रैगन किंग को देखकर मंकी किंग को बहुत गुस्सा आ गया, इसलिए वो अपने जादुई हथियार की मदद से उस पर हमला करता है, लेकिन ड्रैगन किंग की पावर के आगे उसकी पावर काम नहीं करती। वो मंकी किंग के हमले को ब्लॉक कर देता है और फिर उस पर हमला करता है जिससे वुकान दूर जा गिरा। तभी वहां यैंग आती है। वो ड्रैगन किंग के पास जाकर अपनी जादुई बांसुरी बजाने लगी, लेकिन तभी अचानक ड्रैगन किंग यैंग पर हमला करता है जिससे वो भी वुकान के बाजू जा गिरी। ये देखकर ड्रैगन किंग हंसने लगा, क्योंकि मंकी किंग जो कभी बहुत ज्यादा ताकतवर माना जाता था, वो अब इतना कमजोर हो गया। अब ड्रैगन किंग वुकान को जान से मारने के लिए अपनी पूरी शक्तियां जमा करता है। वो बस वुकान को मारने ही वाला था कि बीच में ताइन आ गया।
डाइन भी अपने साथियों की जान बचाने के लिए अपनी पूरी शक्तियों को एक जगह जमा करता है, जिससे ड्रैगन किंग की जमा की गई शक्तियां अपने आप टूट गईं। लेकिन टाइन एक बच्चा था, इसलिए वो ज्यादा देर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सका और गिरकर बेहोश हो गया। लेकिन ड्रैगन किंग ने ये देख लिया था कि उस बच्चे में बहुत एनर्जी और पावर्स हैं। तब वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करके उस बच्चे को उठा लेता है, ताकि वो उसके सारे पावर्स को खींच कर अपने अंदर ला सके। ये देख कर वुकान उठता है और अपने हथियार से हमला करने ड्रैगन किंग पर कूदता है। लेकिन ड्रैगन किंग को पता था कि वुकान ऐसा कुछ जरूर करेगा, इसलिए वो एक हाथ से मंकी किंग को रोकते हुए उसे बहुत दूर फेंकता है और उस बच्चे को अपने साथ लेकर चला जाता है। ड्रैगन किंग के जाने के बाद यांग उठकर वुकान के पास जाती है और देखती है कि वो अब भी जमीन पर पड़ा है। वो समझ गई थी कि वुकान अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी अचानक वहाँ वीनस आया। वो यांग को बताता है कि अगर यांग वुकान को बचाना चाहती है तब उसे अपनी और अपने दोस्त सुनहरी तितली की जान की कुर्बानी देनी होगी, तभी वुकान की जान बच पाएगी और उन दोनों की जान वुकान के दिल में बदल जाएगी, तब वो फिर से जिंदा हो जाएगा। अब यांग के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो अपनी जादुई बांसुरी उठाकर आखिरी बार बजाती है। तभी वो सुनहरी तितली वहां आकर वुकान पर बैठ गई। तितली के बैठते ही वुकान को सपना दिखा जिसमें वो अपने मास्टर को देखता है। उसका मास्टर पूछता है कि क्या उसे माउंटेन ऑफ हार्ट मिल गया। तब वुकान अपने घुटनों पर बैठ गया और अपने मास्टर से माफी मांगता है कि वो अब तक माउंटेन ऑफ हार्ट को नहीं खोज सका और उससे पहले ही मारा गया। तभी वुकान का मास्टर कहता है कि वुकान ने पहले ही उस माउंटेन को ढूंढ लिया है। ये कहकर उसका मास्टर उसके पूरे पावर्स दे देता है। वो पावर्स उसके शरीर में पूरी तरह फैल गए और तब उसे एहसास हुआ कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। और तभी वुकान सपने से बाहर आता है और उसकी आंखें खुलती हैं। आंख खुलते ही वो देखता है कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त मरने वाली है और उसी ने ही वुकान की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन वो उसे मरने से नहीं बचा सकता। तब यांग कहती है कि उसे इस बात का अफसोस करने की जरूरत नहीं। फिर यांग मरने से पहले वुकान के दिल की धड़कन सुनती है और हवा बनकर गायब हो जाती है। ये देखकर वुकान अब पूरी तरह पागल हो चुका था, क्योंकि ड्रैगन किंग की वजह से उसके सबसे अच्छे दोस्त अब उससे दूर जा चुके थे। इसलिए वो एक बादल पर उड़ता हुआ सीधा ड्रैगन किंग के पास जाने निकल पड़ा। उधर ड्रैगन किंग उस बच्चे के अंदर से उसकी सारी शक्तियों को अपने अंदर ट्रांसफर कर रहा था, जिसकी वजह से ताइन की मौत हो गई। अब ड्रैगन किंग पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था और वुकान भी अब वहां पहुंच गया था। तब वो उस पिलर को घूर कर देखता है जो कभी उसका हथियार हुआ करता था। फिर वुकान अपनी आंखों से तेज लेजर छोड़ता है जो सीधा उस पिलर पर जाती है। फिर वो उस पिलर के पास जाकर उसे हवा में उठा लेता है, जिसकी वजह से वो पूरी बिल्डिंग नष्ट हो गई, क्योंकि वो पूरी बिल्डिंग का भार उस पिलर पर था, इसलिए वो पूरी बिल्डिंग टूट कर गिर गई। बिल्डिंग टूटने की वजह से ड्रैगन किंग भी नीचे आ गिरा और वुकान उस पिलर के ऊपर चढ़ गया। तभी ड्रैगन किंग अपना नया रूप दिखाता है। अब वो एक बहुत बड़े दानव में बदल गया, लेकिन उसे देखकर वुकान को जरा भी डर नहीं लगा, क्योंकि अब उसे भी उसकी सारी शक्तियां मिल चुकी थी। इसलिए वो उड़ते हुए सीधा ड्रैगन किंग के पास जाता है ताकि वो उस पर हमला कर सके। लेकिन तभी ड्रैगन किंग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वुकान पर बहुत सारे वार करता है, लेकिन वुकान उन सभी हमलों से बच निकलता है और अपना बड़ा हथियार उसकी तरफ फेंकता है। लेकिन ड्रैगन किंग अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था, इसलिए वो अपनी पावर्स की मदद से उसके हथियार से बच गया और वुकान भी वापस अपने बड़े हथियार पर जाकर खड़ा हो गया। अब ड्रैगन किंग वुकान पर पीछे से हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वुकान उसके वार को चकमा देता है और अपने बड़े हथियार से उसे मारता है। तब ड्रैगन किंग एक बार फिर अपनी सारी शक्तियों को जमा करता है और वुकान के उस बड़े से हथियार को रोक लेता है। अब वो दोनों ही जमीन पर आ गए थे। अब वुकान जल्दी से अपने हथियार को पूरी ताकत के साथ एक बार फिर ड्रैगन किंग की तरफ घुमाता है। तब एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे वो ड्रैगन किंग मारा गया। तभी वुकान देखता है कि वो बादलों के ऊपर तैर रहा है। तब वुकान को उसके मास्टर की आवाज आती है जो बताता है कि इस वक्त वुकान जहाँ है वही माउंटेन ऑफ हार्ट है। और तब उसे पता चला कि वुकान अपने अंदर की दुनिया में है, जहाँ उसके दोस्त यांग और ताइन भी हैं, जो पहले ही मर चुके हैं। अपने दोस्तों की मौत की वजह से वुकान के अंदर अब इंसानियत को बचाने की आग जल चुकी है। वुकान अपने दोस्तों को देखकर खुश होता है, क्योंकि वो समझ गया था कि उसके दोस्तों ने इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी और अब वो स्वर्ग में बहुत खुश हैं। इसलिए वो अपने दोस्तों से वादा करता है कि अब से वो इंसानियत की रक्षा करेगा। और यहीं पर ये मूवी भी खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये मूवी पसंद आई होगी। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।